हेलो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और उसमें हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं जिस थ्योरम को मैं आज बताना जा रहा हूँ क्या है। देखिए, ये थ्योरम कुछ इस तरीके से आती है कि एन अपर बाउंड, ध्यान देंगे, एन अपर बाउंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। आप देख रहे होंगे क्या है थ्योरम का, ये स्टेटमेंट नहीं है बस, पर कभी कभी इस तरीके से भी ये थ्योरम पूछी जाती है कि एन अपर बाउंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, या इसको ML इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। ML इक्वालिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। थ्योरम का स्टेटमेंट भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, नहीं पूछेगा अगर डायरेक्ट ML इनइक्वालिटी लिखेगा तो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। और थ्योरम का स्टेटमेंट काफी आसान है, क्या है देखिए, इफ अ फंक्शन fz इज कंटिन्यूअस। तो देख रहे होंगे एक फंक्शन है fz, वेरिएबल का फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, कहां पे, ऑन अ कर्व सी टेक ऑफ लेंथ एल। देखिए क्या दिया है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी कर्व सी पर, किस उस कर्व सी की लेंथ जो दी है वो क्या दी है, एल, एंड कैपिटल एम बी द अपर बाउंड ऑफ एफ जेड ऑन सी। ध्यान देंगे इस बात को, सिंपल सी डेफिनेशन है या सिंपल सी थ्योरम है, बोलेंगे कि इफ फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ एफ जेड जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कर्व सी पर और जिस कर्व की लेंथ है एल, ठीक। दूसरा, एम अपर बाउंड है फंक्शन का, किस पे, कर्व पे, इस कर्व पे जो भी फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, एम है, अपर बाउंड का मतलब है ये, ठीक है। देन तब हमें लेकर आना है, देन मोड ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू एम एल, ठीक, ये लेकर आना है हमें। तो आज की हमारी थ्योरम इस तरीके से है कि एक एन अपर बाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का अपर बाउंड मतलब बोल सकते हैं इसको, या ML इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, या इस तरीके से कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कर्व सी पर जिस कर्व की लेंथ L है और M उसका अपर बाउंड है, तो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का मॉड होगा वो लेस देन इक्वल होगा किसके, M इंटू L के, मतलब अपर बाउंड की वैल्यू इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक, या लेंथ ऑफ कर्व के। तो इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए प्रीवियस चीजों का कुछ ध्यान रखेंगे हम, तो वो क्या है, मैं साथ साथ लिखते चलेंगे आप हम मेरे साथ। तो क्या है, प्रूफ देख रहे हैं हम इसका, प्रूफ में देखेंगे आपको क्या है, वी नो दैट, हमें पता है, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में लाइन इंटीग्रल, तो वी नो दैट लाइन इंटीग्रल आपको पढ़ाया था मैंने, लाइन इंटीग्रल, तो देखिए क्या होता है, वी नो दैट लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, फिर क्या होता है आपको याद होगा, फंक्शन ऑफ ई आर इंटू जेड आर माइनस वन, इस तरीके का हमने रूल पढ़ा था किसके लिए, लाइन इंटीग्रल, ठीक। तो टेकिंग मॉड बोथ साइड, क्यों लिया है, देखिए मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये हमें यहां दिख गया है, अब हमें अपने क्वेश्चन को लाने के लिए मॉड चाहिए, तो हमने टेकिंग मॉड बोथ साइड ले रहे हैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड लिख देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो देखिए इस पूरे का मॉडुलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान दीजिए अभी केवल मैं पूरे का मॉड जैसा मैंने कहा है वो लिख रहा हूं,
तो मोड के अंदर ये सारी वैल्यू आ गई। इसके बाद इन्हें सेपरेट करेंगे, आप देख रहे होंगे मैंने और कुछ नहीं छेड़ा है, ठीक। तो ये मोड के अंदर सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब आपको ध्यान देना है, देखिए इस साइड तो हमारा जैसा हमें चाहिए, जैसा हमें क्वेश्चन में चाहिए वैसा है, हम इस तरफ के पार्ट को सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। लिमिट, लिमिट में मोड का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक प्रॉपर्टी है या ये एक बोल सकते हैं ये एक रूल है। मोड का जो यूज होगा वो कहाँ होगा, कि किसी वैल्यू पे होगा या किसी फंक्शन पे होगा, तो ये और ये मोड से फ्री हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट आपका बाहर हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n, ये बाहर हो गया। मोड में आएंगे कौन, इक्वल टू मैं लगा रहा हूं एफ ई आर इंटू जेड आर माइनस जेड आर माइनस 1, ठीक। तो ये आपका मोड में आ गए। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके की प्रॉपर्टी पड़ी होगी, x इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड x इंटू मोड y, इस तरीके की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जब भी मोड प्रोडक्ट में ओपन होता है तो इस इनइक्वालिटी के साथ आता है। तो वही कर रहे हैं हम, ये हमारा कंबाइन है, देखिए ये हमारा कंबाइन है, इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इक्वल है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके की अनइक्वालिटी पे आ जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, देखिए लिमिट वैसी रहेगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन, और ये अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे ई आर इन टू मॉड ऑफ जेड आर माइनस जेड आर माइनस 1। देखिए ब्रेक हो गया अलग अलग, बिल्कुल सर। तो देखिए इससे आगे क्या कर रहे हैं हम, लेस देन इक्वल टू, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लिमिट ऐसी रहेगा एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन। अब देखिए ये क्या है, फंक्शन की मोड, मतलब ई आर क्या है, एक पॉइंट है कर्व में ही, मतलब हमारा जो सी कर्व है, आपको मैंने जिस समय लाइन इंटीग्रल पढ़ाया था मैंने बताया था ये जेड जीरो, ये जेड एन, ये होता है लास्ट पॉइंट, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स के बीच में, जैसे मान लिया ये जेड टू ऐसे जेड आर, तो इनके बीच में ही पॉइंट्स होता है ई आर। हमने वहां बताया था जेड आर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ई आर लेस देन जेड आर, तो ये इसी के बीच का एक पॉइंट है, मतलब फंक्शन की वैल्यूज कर्व में। अब हमें पता है, आपको क्वेश्चन में पता है फंक्शन क्या पता है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हमें पता है m बी द अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ जेड ऑन c, मतलब इस c कर्व में फंक्शन की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो क्या है, m है। तो उसी को देखते हुए हम देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मैंने लिखा है कि 6 लेस देन 8, ठीक। अब मैं अगर इसी को 6 लेस देन 9 लिख दूं, मतलब इससे और बड़ा लिख दूं, तो कोई इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल सर कोई फर्क नहीं, क्यों, क्योंकि 6 8 से छोटा था, मैंने 8 से भी बड़ी संख्या लिख दी तो उससे भी छोटा होगा। तो इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसकी जगह इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दे रहा हूं m, क्योंकि इस ये बड़ा है इस साइड से, तो मैंने और बड़ी वैल्यू लिख दी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। और यहां पर बाकी चीज वैसी लिख दी हमने जेड आर माइनस 1, ठीक। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम m फ्री है r से, क्योंकि इस समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब है कि r की जो टर्म है उसमें ये समेशन यूज होने वाला है, और लिमिट उसमें यूज होने वाला है जहां n के टर्म्स है। तो m जो है अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी, तो ये m लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 टू n, और ध्यान दीजिए जेड आर माइनस जेड आर माइनस 1, ठीक। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की देखिए प्रॉपर्टी, इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है इसको हम थोड़ा सा अब चेंज तो नहीं कहूंगा मैं, बस थोड़ा सा सॉल्व करते हुए चलेंगे अब, क्योंकि हम लास्ट में अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए समेशन आर की टर्म है तो मैं इसके साथ लिख रहा हूं समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन जेड आर माइनस 1। तो देखिए इस तरीके से मोड में आ गया। अब मैं r की वैल्यू लिख रहा हूं तो क्या हो गए, देखिए
m लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक, अब देखिए r बराबर 1 रखूंगा, r बराबर 1 रखूंगा तो z 1 माइनस 1 जीरो, तो क्या आने वाला है कि ये आने वाला है z 1 माइनस z 0 प्लस, समेशन है साथ साथ समेशन लगाते हुए चल रहा हूं मैं, प्लस z r इक्वल टू 2 रखूंगा तो z 2 माइनस z क्या हो जाएगा यहां पर z 1। ठीक, इस तरीके से चल रहा है प्लस सो ऑन, प्लस z ऐसी तरह से r माइनस z r माइनस 1 मॉड, प्लस इसी तरीके से आगे चलता रहेगा z n माइनस 1। तो देखिए क्या है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर मैं आपको इन फिगर दिखाऊं, इन फिगर में अगर इसकी बात करें तो ये क्या चीज है, ये है z1 z2 की डिस्टेंस, z2 z3 की डिस्टेंस, इस तरीके से ये सारी डिस्टेंस जुड़ते जा रही है पूरे इंटरवल की। तो इस पूरे को क्या कहेंगे, ये क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू m इंटू लेंथ ऑफ आर्क, या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कर्व सी। ठीक, और लेंथ ऑफ कर्व सी आप लोगों को क्वेश्चन पे गिवन है, क्या है m इंटू n। तो यही देखिए, यही पार्ट हमको लेकर आना था मॉड में इंट्रीगेशन सी एफ जेड डी जेड, ठीक, इज लेस देन इक्वल टू m इंटू n। ये हमारा थ्योरम थी आज की। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर पे।